शर्मा डीएलडब्ल्यू रहते हैं, ये कौन है आपकी? मेरी माता जी। क्या इनको तकलीफ थी? इनको डॉक्टर के अनुसार तो पैरालिसिस का अटैक हुआ था माइंड में, बस अपनी आदर्श वगैरह खो दी थी। डॉक्टर बोलता है डॉक्टर सुदीप जोशी डॉक्टर त्रिवेदी की ट्रीटमेंट चल रही है। अच्छा, तो यहाँ तो यार बहुत लंबा जखीरा, बहुत लंबी पेरिस्ट है डॉक्टरों की बनारस में, एक से एक सर्जन और एमबीबीएस लोग एमडी लोग हैं, तो वो भी इनको नहीं ठीक कर पाए। नहीं, कोई ये नहीं कह पा रहा है कि ठीक हो जाएंगे कि नहीं। अच्छा, कि ये ठीक हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो आप यहाँ क्या करने के लिए आए? यहाँ पे बाबा जी का एड्रेस मिला तो पाए हम पहली बार तो थोड़ा अजीब लगा। अच्छा, फिर बहुत आराम मिला। तो इनको परेशानी क्या थी? परेशानी है, कुछ भी समझ नहीं पा रही थी हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा, कुछ भी बोल नहीं पा रही थी हम, बोलते भी हैं समझते भी हैं, अभी थोड़ा बहुत बाकी है। 80% साइन वाइन क्या था? मेरा चेक था वो, एक्चुअली मेरे पिताजी रेलवे में थे, मैं डीएलडब्ल्यू में जॉब करता था, कुछ चाहती है अभी भी बहुत कम है थोड़ी बहुत। अच्छा, ब्राह्मण है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम इंदिरा देवी है। इंदिरा देवी शर्मा, सच है? इंदिरा देवी शर्मा। पहले दिन तो आप बोल नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे कर रही नहीं कर पाए, तो यहाँ आने पे ये पता चला कि इनके ऊपर कुछ ऊपरी शय है, जो भी शैतानी हरकत हो। क्या ये मानते हैं आप कि नहीं ये ऐसा है? आपको ऐसा महसूस होता है? जी एकदम। हमारे बाबा जैसा कि अभी सारे लोग नींबू के लिए परेशान हैं, सारे लोग बहुत बहुत दूर से बनारस तक हो आए हैं, आज की डेट में कहीं नींबू नहीं है क्योंकि आपका हथियार नींबू है। तो आप क्या पहले मिल जाता था और अभी क्यों नहीं आप रखे? क्या कारण है कि लोग सोचते थे, लोग कहते थे कि अरे 8 आने का नींबू 1.5 रुपए का बेच रहा है, यही इसकी इनकम है, तो मैंने इसलिए नहीं रखा है। तो अभी बाहर से लोग लेके आ रहे हैं, पड़ाव से रामनगर से कहां से भी लेके आ रहे हैं। कितने का बाहर से आप लोग लेते हैं? कितने का लेके आए? 3 रुपए का। 3 रुपए का एक लेके आए हैं जी, और मैं यहां 1.5 रुपए का देता हूं। यहां पर जो नींबू पर बेचता है तो लोग बोलते थे बहुत महंगा है, तो आज के डेट में 3 रुपए का लोग नींबू बाहर से लेके आ रहे हैं, इसलिए आज मैंने नींबू नहीं रखवाया है। जैसा कि कहीं से तो कोई शंका की बात ही नजर नहीं आ रही है। पहले बाबा के यहाँ एक मुलाजिम था, वो नींबू रखता था, क्योंकि ये गांव है, यहाँ पे नींबू उपलब्ध नहीं रहता है काफी, 10-15 किलोमीटर राउंड में आदमी जाता है फिर शायद नींबू मिले, क्योंकि नींबू की ज्यादा यहाँ मात्रा में खपत होती है। तो बाबा उसका भी समाधान, उसको भी खंडन किया कि किसी के दिल में ये ना रहे मनसा में कि यार ये नींबू में भी फायदा कमाते होंगे। तो ये सारे लोग खड़े हैं, इनको कहीं आज बाबा ने भेजा, जाओ अपने अपने घर से आप लोग नींबू लेके आओ बाजार से। कोई भी आदमी नींबू आज की डेट में नहीं ला सका। रिप्रेस रिपोर्टर भी है, उनको भी ये विश्वास हो गया है यहाँ आने पे कि नहीं, कुछ आत्माएं तो होती हैं जो हम लोगों को हानिकारक पहुंचाती हैं, हम लोगों का नुकसान करती हैं, तो वो भी इनकी पुष्टि हुई है। लेकिन दुर्गा माँ ने ये पुष्टि की है कि नहीं, इनके ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जिनके ऊपर होता है उसी को बताया जाता है कि नहीं इनको इनके ऊपर है, किसी दूसरे को बेवजह फंसाने का यहाँ रिवाज नहीं है। इसलिए इनका हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत साफ सुथरी बातें यहाँ नजर आई, और बाबा ओझा सोका से अलग हट के बाबा मोहम्मद आजम साहब का एक अलग मिजाज है, क्योंकि जब उनके ये गुलाम है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के, जब उनका साया है तो हमें ये उम्मीद है, वो खुद सोचेंगे कि कोई इस तरह का काम ना हो जो कि किसी को तकलीफ हो और यहाँ पे किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो। चलो एंड और जो इधर आ जाओ, बैठा होती है।